इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के पास समंदर में एक जहाज पिछले दो हफ्ते से फंसा हुआ है। इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल है जो लगातार रिस रहा है। इस रिसाव की वजह से समंदरी जीवों पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है और मछली का व्यापार करने वालों की रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा इस डीजल को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और इस रेस्क्यू में स्थानीय मछुआरे भी लग गए हैं। मछुआरे अपने बोट से टंकियां लादकर जहाज के पास पहुंचाते हैं जिसमें डीजल भरकर वापस किनारे पर लाया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि ये जहाज पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है। मछुआरे कैसे इस जहाज से डीजल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। पालघर के वडराई बीच पर समंदर के अंदर गाल कंस्ट्रक्टर शिप फंसी हुई है और उसके अंदर 80,000 लीटर डीजल है और अब इस डीजल को निकालने के लिए संबंधित कंपनियां स्थानीय मछुआरों के जरिए जो है बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टंकियों को उस शिप के पास लेकर जा रही हैं, जहां से इन टंकियों में जो है उस डीजल को भरा जाएगा और उसके बाद में इसी छोटी छोटी बोट के जरिए उस डीजल को निकालकर बाहर लाया जाएगा। फिलहाल यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी बोट के जरिए जो है कई बड़े बड़े जो प्लास्टिक के टांकी हैं वो उन टांकियों को लेकर जाया जा रहा है उस शिप पर गाल कंस्ट्रक्टर पर। यहाँ पर इंडिया टीवी की टीम भी इसी बोट में मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से गाल कंस्ट्रक्टर शिप के नज़दीक इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर स्थानीय मछुआरे इस काम में मदद कर रहे हैं लगातार जो संबंधित कंपनियाँ हैं उन लोगों को, क्योंकि इन मछुआरों की मदद के जरिए इन टांकियों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाल कंस्ट्रक्टर शिप जो है उसके ऊपर कई बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टंकियां पहुंच गई हैं और इन टंकियों के जरिए ही अब उस डीजल को भरकर निकाला जाएगा और उसके बाद में बोट के जरिए उस डीजल को लेकर बाहर आया जाएगा ताकि जो डीजल समंदर में फैलने का खतरा है वो कम हो सके। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो गाल कंस्ट्रक्टर शिप है, इसी शिप के अंदर 80,000 लीटर डीजल फैला हुआ है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर किनारे किस तरह से डीजल फैला हुआ है और यहाँ पर ऑब्जर्वेंट बम के जरिए और इसके अलावा पैड के जरिए इस डीजल को यहाँ पर रोकने की कवायद की गई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से अब यहाँ पर इस डीजल को निकालने की कवायद शुरू की गई है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब इंडिया टीवी की टीम मछुआरों की बोट में जिस तरह से ये बड़े बड़े जो हैं टंकियां जो है लाई जा रही है उन टंकियों को आप यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि स्थानीय मछुआरे भी बाकायदा मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो डीजल अंदर है इस शिप में उस डीजल को निकाला जाए, इसीलिए मछुआरे भी बाकायदा इसमें प्रशासन की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से समंदर जो है प्रदूषित हो रहा है इस डीजल के चलते। आप देखिए पानी पूरी तरह से काला हो गया है, ऊपर का जो पानी की सतह है वो पूरी तरह से काली पड़ गई है, जबकि बगल में आप देखिए समंदर का पानी जो पैड लगाया गया है, जो ऑब्जर्वेंटर लगाया गया है उसके बगल में पानी का कलर जो है एकदम बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर शिप पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े प्लास्टिक की जो है टंकियाँ लाई गई है और यहाँ पर एक दूसरी भी शिप आपको दिखाई देगी। देखिए दूसरी भी शिप में इस तरह के पानी की इस तरह की टंकियाँ लगाई गई है। तो फिलहाल कोशिश यही है कि इन टंकियों में डीजल को भरकर जो है बाहर लाया जा सके ताकि समंदर में प्रदूषण को बचाया जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।